कमिश्नरेट बनने के बाद भी गाजियाबाद में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में लूट, हत्या, स्नैचिंग, रेप जैसी वारदातें आम हो गई हैं। ताजा मामला सामने आया है थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र का है, जहां सेक्टर 23 संजय नगर के रहने वाले एक कारोबारी को अपहरण कर नोएडा के जारसा थाना क्षेत्र में जान से मारने की नीयत से गोली मारकर मनसन्ना हालात में फेंक कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। गोली मारने का आरोप संजय नगर के ही रहने वाले एक सपा नेता पर लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार सेक्टर 23 संजय नगर एन ब्लॉक में रहने वाले मनोज तोमर का पुरानी गाड़ियों का कारोबार है। बताया जाता है कि 12 मार्च को मनोज तोमर अपनी पत्नी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। मनोज के साले लोकेश की माने तो शादी समारोह में ही सपा नेता संजीव चौधरी भी पहुंचा था। लोकेश ने बताया कि संजीव चौधरी ने मनोज की पत्नी को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। इसी बात को लेकर संजय व मनोज में कहा सुनी हो गई। आरोप है बाद में संजीव चौधरी मनोज को गाड़ी में अगवा कर ले गया और जारसा क्षेत्र में ले जाकर मारपीट करने के बाद गोली मार दी और मरा समझ कर वहीं छोड़कर घर आ गया। काफी तलाश के बाद भी जब मनोज नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। शुक्रवार को जारसा क्षेत्र में मनोज गोली लगी अवस्था में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मधुबन बापूधाम थाना प्रभारी का कहना है कि मनोज के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आने वाली बात तो उसी दिन की है, सब उसी दिन की है। हाँ, उसी दिन की बात है, 12 तारीख की है। 12 तारीख की जब वो बाहर, मैंने उसे फोन करा, आ गया। अशोक के मैंने उसको गायब कराया था। हाँ, तेरे गांव का अशोक था। हाँ, वो तो नहीं, और अपने गांव मेरा नाम पूछ लेना किससे। मैंने कहा मेरी घरवाली से सुनो, बदतमीजी कैसे करी। तभी मेरे पीछे से आए 5-6 लड़के, जो भी उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे पता नहीं क्या करा, मेरे सुनाया कुछ एक, फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं। मनु ये शुगर तो नहीं है? शुगर उगर सब ठीक है यार, मेरी कोई ऐसी मुझे कोई दिक्कत ना है। रोड वगैरह डॉक्टर के साथ चलेगी क्या? हाँ, चलेगी। कितनी आ रही डायबिटीज? ठीक है, बीपी तो ठीक है ना अभी? हाँ, 120। फिर मुझे जब होश आया था, मैं कहीं कमरे में था। संजीव, उसकी घरवाली, उसका लड़का, समझते ठीक। उसका लड़का, उसकी घरवाली और मम्मी थे, और उसकी घरवाली ने मुझे मारा। चापड़, डंडा, झाटा, कैसे? चाटा, बेल्ट भी मारी मेरे। चाटा, बेल्ट। और उसने मुझसे कहा कि तेरी घरवाली मेरी साड़ी पहन के जाती है, मेरी चीज पहन के जाती है। पहले लिख दिया कपड़े पहन के। बस तो यही बात थी। फिर मैं, मुझे पता ना, फिर उन्होंने, मैंने पानी मांगा तो पानी में क्या लग दिया, मैं फिर बेहोश हो गया। तो ये यही चलता रहा, मुझे जब बेहोश आता मुझे पानी मांगता पानी। फिर आज जब मेरी आँख खुली, पता